एन दत्ता, जयदेव और आर डी बर्मन जैसे संगीतकार जिनके सहायक संगीतकार रह चुके हो, वो आदमी कितना जीनियस हो सकता है इसका अनुमान आप खूब लगा सकते हो। बंगाल से मुंबई की ओर आने वाले सफलतम संगीतकारों की श्रृंखला अगर आप निकालते हैं तो किसी के भी लिस्ट में टॉप टू में इनका नाम आएगा। इतने प्रतिभाशाली संगीतकारों में सचिन देव बर्मन का नाम आता है। तीन टाइप की फिल्मों को इन्होंने संगीत दिया, खासकर तीन बड़े बैनर के साथ में काम किया। एक बिमल रॉय जो सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाते, दो गुरुदत्त जो जीवन में बसे हुए दुख को बखूबी बयां करते, और तीसरे नवकेतन बैनर वाले जो दिल में बसे हुए मोहब्बत को जो है वो पर्दे पर साकार करते। तीन डिफरेंट विषय और तीनों तरफ ये संगीतकार अपनी जीनियस सोच के साथ में हमेशा सक्सेसफुल। शायद यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं कि जवां दिलों का संगीत यानी एस डी बर्मन का संगीत, क्योंकि उनका संगीत मानो एक ऐसा महकता हुआ फूल है जिसमें खूबसूरती भी है और सुगंध भी है, और हमेशा ये बिल्कुल एकदम ताज़ा लगता है और प्रसन्न लगता है। लोग उसको सुनने को जी करता है कि यार ये क्या बात है, ये कितना प्यारा है। एक ऐसा ही गाना आप सुनेंगे, बहुत मुमकिन है कि इस गीत में आपको चुलबुली डांस करती हुई आशा पारेख याद आए। फिल्म का नाम जिद्दी, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन। सुनते हैं। Yeah.
थैंक यू।